हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ये जानेंगे कि ज़्यादा ब्लड प्रेशर का हमारे शरीर पे क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। अगर किसी को ब्लड प्रेशर बना रहता है तो लंबे समय में शरीर को क्या क्या नुकसान हो सकता है या कौन कौन से ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं। अब जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो 120 ऊपर वाला मतलब सिस्टोलिक और नीचे वाला 80 होना चाहिए, 80 से कम होना चाहिए डायस्टोलिक। अगर 130 और 180 सुपर हो रहा है तो प्री हाइपरटेंशन है, और 140 सुपर हो जाए तो हाइपरटेंशन में आ जाता है। जो प्री हाइपरटेंसिव लोग हैं उनमें भी लंबे समय में 10 15 20 सालों में चेंजेज आते हैं, और जिनको हाइपरटेंशन होता है जो फुल हाइपरटेंशन है स्टेज 1 2 3 का मतलब ज़्यादा बढ़ा हुआ 150 60, तो बदलाव सब में आते हैं, नुकसान सब में हो सकता है। प्रॉब्लम क्या होती है, ब्लड वेसल्स है, जैसे कि अगर मैं ये मेरा पेन है इसको मैं ब्लड वेसल्स मान लूँ तो ये ब्रेन के अंदर खूब तेज़ी से ब्लड ले जाएगा। बहुत तेज़ी से ब्लड जाने से ये वहाँ पे फट सकता है, रप्चर हो सकता है, और ब्रेन के अंदर रप्चर होने से हैमरेज होगा। हैमरेज होने को ही स्ट्रोक बोला जाता है मेडिकल भाषा में, मतलब शरीर का एक हिस्से में पैरालिसिस हो सकती है। तो ये एक दुष्प्रभाव हो गया कि ब्रेन के अंदर स्ट्रोक की संभावना होती है, और वो कई बार ब्रेन को अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं होने के कारण इस्कीमिया भी होने की समस्या रहती है कि ब्लड वहाँ पे नेक्रोज हो जाए, क्लाट हो जाए, क्लाटिंग होने से वो एरिया ही ख़त्म हो जाए, तो कई बार परमानेंट भी डैमेज हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर का मस्तिष्क पे एक इम्पॉर्टेंट दुष्प्रभाव है। और अगले जो आर्गन अफेक्टेड होता है मोस्ट कॉमन की बात करें वो हार्ट है। हार्ट से क्या है, हार्ट ही पम्प करता है जो प्रेशर है, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा हार्ट को ज़्यादा जोर से काम करना पड़ेगा। जितने जोर से हार्ट काम करेगा उतने जोर से उसका साइज भी बड़ा होता है। जैसे हम मांसपेशियां अपने यूज करते हैं तो मांसपेशियां बढ़ जाती हैं, वैसे हार्ट की मांसपेशियां भी बढ़ जाती हैं ज़्यादा वर्क करने से, ज़्यादा फोर्सफुली वर्क करने से। इसको बोलते हैं कि हाइपरट्रॉफी हो गई, कार्डियोमायोपैथी हो गई। इस तरह के बदलाव से शरीर जो हार्ट का स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है और वो खराब हो जाता है, और ऐसे ही हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ने से ब्लड सप्लाई है, जो हार्ट की ब्लड सप्लाई है वो भी कंप्रोमाइज होती है। तो सीने के अंदर दर्द होने की कंप्लेन हो सकती है, हार्ट के अंदर ऐसे बदलाव हो सकते हैं कि वो अच्छे से काम नहीं कर पाए। तो कई बार जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है जिसको हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं, कि मतलब हार्ट को अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं हुई और हार्ट का कुछ हिस्सा खराब हो गया, नेक्रोज हो गया, तो वो हो गया मायोकार्डियल इन्फेक्शन। और ये ज़्यादा एरिया में होने से फिर हार्ट फेलियर हो सकता है कि हार्ट अच्छे से पंप नहीं कर सकता, तो हार्ट पे ब्लड प्रेशर का बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए सबको बोला जाता है कि जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत हो उनको हार्ट का रेट कंट्रोल करने की दवाई दी जाती है, या इस तरह के एडवाइस किए जाते हैं कि अपने हार्ट का विशेष ध्यान रखें, ECG बीच बीच में कराते रहें। जो तीसरा ऑर्गन अफेक्टेड होता है मोस्ट कॉमन वो है किडनी। किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना। ब्लड में जितने तरह के बेकार प्रोडक्ट्स होते हैं, यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड या दूसरे भी वेस्ट मेटाबोलाइट्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, ड्रग के मेटाबोलाइट्स, इसको किडनी फिल्टर करके बाहर करती है। अगर ब्लड प्रेशर के साथ किडनी के अंदर जाएगा तो किडनी में चेंजेज होने लगते हैं, अलग अलग तरह के उसमें बदलाव आने लगते हैं। तो लंबे समय में किडनी में डैमेज होना एक इम्पॉर्टेंट एक फीचर है, ब्लड प्रेशर का एक इम्पॉर्टेंट नुकसान है। उससे यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ने से फिर अलग समस्या हो जाती है, प्रोटीन जाने लगता है यूरिन से, तो शरीर के आपके अंदर का जो प्रोटीन है जो मसल बिल्डिंग के लिए या दूसरे फंक्शन के लिए चाहिए वो यूरिन के रास्ते जाने लगेगा, तो प्रोटीनूरिया होने लगेगा, एल्बुमिन बहने लगेगा, तो शरीर उससे भी कमज़ोर हो जाएगा, तो किडनी खराब होना। और ऐसे आँख के अंदर आँख की जो ब्लड वेसल्स है उसमें ज़्यादा तेज़ी से ज़्यादा फोर्सफुली ब्लड जाने से आँख के अंदर सूजन हो सकती है, अंदर उसके अंदर खून का थक्का जम सकता है, हेमरेज हो सकता है, तो रेटिनल हेमरेज मतलब दिखाई कम दे सकता है। तो ब्लड प्रेशर ब्लाइंडनेस का एक बड़ा कारण है इंडिया में, तो आँख का इन्वॉल्वमेंट होता है। ऐसे ही जो हमारी धमनियाँ होती हैं जो पैर के अंदर खून ले जाती हैं, हाथ के अंदर खून ले जाती हैं, स्पेशली जो पैर के अंदर ले जाती है उनमें सिकुड़न आ जाती है, उसका ल्यूमन सिकुड़ जाता है। जैसे ये धमनी में बोलूँ इसमें ज़्यादा तेज़ी से जब ब्लड फ्लो करेगा तो इसकी धमनी में डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, इसको एंडोथेलियल इंजरी बोलते हैं। जहाँ पे डैमेज होती है उसको रिपेयर करने के लिए शरीर प्लेटलेट और क्लाटिंग फैक्टर वगैरह यहाँ भेजेगा, तो इसका ल्यूमन आधा हो जाएगा। तो कई बार ल्यूमन आधा होने के जाएगा, फिर कई बार बहुत सारा इसका इन्वॉल्वमेंट होने से काफ़ी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो नीचे ब्लड नहीं पहुँच पाने के कारण चलने फिरने में दिक्कत होने लगी क्योंकि अच्छे से सप्लाई नहीं होगी। और कई बार तो गैंग्रीन वगैरह नीचे घाव वगैरह बन जाते हैं जो कि हील नहीं होते क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती, तो ये नीचे जो ब्लड वेसल्स है उसका इन्वॉल्वमेंट होने से भी इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है।
और ऐसे ही जो इम्पोटेंसी है, मतलब कि जो फर्टिलिटी है, मेल फीमेल दोनों की अफेक्ट होती है। तो ये कुछ शरीर के मेजर आर्गन हैं जो अफेक्ट होते हैं, इसलिए जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है, ब्लड प्रेशर तो मॉनिटर कराना है हर 6-6 महीने में, आंखों की जांच करवाते रहना, हार्ट का ECG करवाना है, यूरिया क्रिएटिनिन यूरिन की जांचें करवाना है, पैर वगैरह को चेक करवाना रहता है कि नीचे आर्टरी पालपेट करके कि प्रॉपर प्रेशर प्रेशर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। तो ये इसके दुष्प्रभाव हैं। इसलिए किसी को भी BP की समस्या हो तो उसको अपना ब्लड प्रेशर इसलिए कंट्रोल में रखना जरूरी होते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।